रहे हैं हम अपने रूम से, रूम को कर रहे हैं टाटा बाय बाय, चाबी ले लिया। ये हमारी लिफ्ट बाबा आदम के जमाने वाली। ये लिफ्ट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिफ्ट का इसी में हुआ था और अभी भी ये लिफ्ट है। मुंबई आप जाओगे तो मुंबई के और गुजरात के रीजन में अभी भी ये लिफ्ट का बहुत उपयोग होता है। आई नहीं ऊपर को यार, गर्मी बहुत हो रहा है बाबू, पानी की बोतल वाले के चलत रही साथ में। मेरी धन्नो कहाँ रात को खड़ी हो जाती हो तुम, हमसे दूर है। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, टाइम हो रहा है 1 बज रहा है ऑलमोस्ट, हमारा टाइम यार यही हो पता निकलने का। पता नहीं क्यों 1-2 दिन से ना नींद पूरी नहीं हो रही है, भाग दौड़ी ज़्यादा हो रही है। अभी का प्लान ऐसा है, अभी हम चल रहे हैं नाश्ता करने, वही हमारा नाश्ता लंच कम ब्रंच, ब्रेकफास्ट कम लंच सब होगा एक साथ ही। तो अभी चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं आज का प्लान क्या बनते हैं, वहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे। थैंक यू भाई। ओके, यूटर्न लेना है यहाँ से। यूटर्न जगहों पे भाई ध्यान रखा करो, कभी कभी लेफ्ट टर्न फ्री नहीं होता, ये लिखा हुआ नो लेफ्ट टर्न फ्री, लाल बत्ती पे लेफ्ट टर्न फ्री नहीं है, चलान कटवा लोगे नहीं तो ऐसे के सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा, मामा पकड़ लेंगे सुबह सुबह, नाश्ता इनको कराना पड़ जाएगा फिर हमको। है हम साला नहीं कर पाएगा नाश्ता, नाश्ता इनको कराना पड़ जाएगा बे। हम लोग कल अयोध्या गए थे, अयोध्या से जब हम वापस आ रहे थे, जब एग्जिट पॉइंट से निकल रहे थे तो वहाँ पे ना जैसे वो बचपन में हम पिट्ठू गेम नहीं खेलते थे कि पिट्ठू लगा के और बॉल मारते थे, तो वहाँ पे पिट्ठू बने हुए थे बहुत सारे बहुत सारे पूरे रास्ते में। तो हमने वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, उससे पूछा था कि भाई ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। तो उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमसे कहा कि उसे नहीं पता है, उसकी ड्यूटी अभी फिलहाल में ही लगी है। तो हमने वहाँ जो लोग बना रहे थे ऑलरेडी उनसे पूछा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता थी। कोई कह रहा था कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई इसलिए मैं अपना ये बना रहा हूँ कि मेरी विश पूरी हो गई है, कोई कह रहा है कि हम ये घर बनाते हैं देवताओं के लिए कि देवता आते हैं तो यहाँ रहेंगे, कोई कहता है कि मैं मनोकामना मेरी पूरी हो जाए मैं उसके लिए ये बना रहा हूँ कि अगर ये बन गया और गिरा नहीं तो मेरी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता थी, बट रियलिटी क्या थी वो नहीं पता है। मैं वो दिखा नहीं पाया, शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को फोन नहीं ले जाने दिया अंदर, फोन अलाउड नहीं था हमें ले जाना, हमारा फोन लॉकर में रखवा दिया था, नहीं तो मैं आपको वो चीज दिखाता। अभी होटल से निकले हैं और पानी ठंडा था और अब नॉर्मल हो गया पानी, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, मतलब ज्यादा नॉर्मल तो नहीं हो रहा, ठंडा है बट जो हम चिल्ड लाए थे वो नहीं है। हम आए हैं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम कल ला करके हमने पराठे खाए थे। तो ये आ गया हमारा पराठा, ये आलू का है, ये पनीर का है, ये आलू का है, पर आज इन्होंने ऊपर से पनीर घिसा हुआ है, कल नहीं घिसा था, आज चटनी चेंज कर दी है। ये अचार है, सब्जी नहीं है भाई, अच्छा आ रहे हम सब्जी की तरह खा रहे हैं, क्या अचार देख रहा कितना भर के दे दिया अचार, और ये रायता सलाद, मस्त इंजॉय करते हैं। तो भाई खा पी के हो चुके हैं बिल्कुल सेट, आज इसने यार पराठे में ना मिर्ची ज़्यादा डाल दी थी, आज मज़ा नहीं आया खाने में, है ना। कल तो हमने 5 पराठे पैक भी कराए थे, आज तो एक भी पैक नहीं कराया हमने, पीछे किसने लगा दिया हमारे, एक मिनट बोलना पड़ेगा। तो यार आज ज़्यादा मज़ा आया नहीं, बट ठीक है जो भी था जितना था पेट तो भर लिया। कल हमने 2 पराठे और पैक कराए थे, आज हमने 2 पीस छोड़ दिया, तो आज वही पैक कराए हैं, पराठे पैक नहीं कराए। तो चलते हैं हम यहाँ से। आए थे भाई के काम से लखनऊ में, सरकारी काम है तो उसके साथ आए हैं, तो अभी उसके साथ में एक जगह और चलना है और उसके बाद चलते हैं घूमने के लिए। 6.5 hours later ये है इकबाना स्टेडियम, इकबाना स्टेडियम जहाँ पे आईपीएल के मैच चल रहे हैं, और आज यहाँ पे आईपीएल का मैच है, तभी यहाँ पे देखो पुलिस खड़ी है, एंट्री गेट्स हो रही है, चेकिंग हो रही है, और आज आईपीएल का मैच यहाँ लोग एंजॉय करेंगे। ये स्टेडियम आज अंदर से तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि टिकट लगेगी, टिकट है नहीं हमारे पास में, टीवी पे देखते हैं आज का मैच। पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, पूरी बैरिकेडिंग। तो ये है पुलिस का हेडक्वार्टर, यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर है, यहाँ से सारी जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश में चीज़ें होती हैं, पुलिस का ट्रांसफर होता है, सारी चीज़ें होती है वो यहीं से होती हैं। तो ये है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, और जो हम 112 पे कॉल करते हैं ना यूपी से, मतलब 112 पे जो हम कॉल करते हैं, जैसे 100 डायल होता है या वो होता है, उसकी भी सारी कॉल यहीं पर आती है। ये हमारे भाई साहब अलग से रोशनी दे रहे हैं,
इसकी जरूरत नहीं है इस रोशनी की, रोशनी बहुत है भाई। स्पेशल इफेक्ट काहे दे रहे हैं। तो लखनऊ में मैच भी है, लोग आज मैच भी देखने आए हैं। हम भी घर पे टीवी जाके मैच देखेंगे आज। अभी चलते हैं यहाँ से, चल हमारा प्लान है यहाँ से जाने का चंपा, चंपा गली तो दिल्ली में है यार। यहाँ कौन सी गली है, चटोरी गली है। यहाँ चटोरी गली चलते हैं, वहाँ पे कुछ चटोरते हैं और फिर होटल में चल के मैच देखेंगे आज। आज स्टेडियम में मैच चल रहा है और लखनऊ में मैच है तो ऑब्वियसली लखनऊ का तो है ही, बाकी किसका है ये तो हमें भी नहीं पता, शाम को जाके देखेंगे किसका है। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती विहार के सामने लगती है ये गली। इस गली का नाम है चटोरी गली। पूरे में मतलब स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं, बिल्कुल लास्ट तक वहाँ तक स्टॉल्स हैं। हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है इस ट्रक के पीछे में, और ये पूरी स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। समर सोया चाप, समर सोया चाप, मधुशाला, वड़ा पाव, क्या खाना पसंद करेंगे भाई साहब, क्या क्या खाते हैं? कोई लेकिन है कि नहीं, मुझे सब कुछ खिला दिया। कुल्लड़ पिज्जा दे दो भाई, भाई इसमें थोड़ी दही और डाल दे यार, थोड़ी दही डाल दो यार, फिर दही उड़ा। कैसे लगे कुल्लड़ पे पानी? चटोरी गली में घूमे थोड़ा सा, यहाँ पे खाने के लिए तो बहुत सारे आइटम्स हैं। कैसा लगा आपको खाना? मतलब समझ जाओ यार, आइटम तो बहुत सारे हैं लेकिन ध्यान से ही खाना भाई, क्योंकि हाइजीन लो लेकिन खाना वहीं पर जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अच्छा मिलेगा। हाइजीन के मामले में कुछ कुछ दुकानें ही हैं जो अच्छी हैं, जो अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रही है, बाकी सब ऐसे ही मतलब सब्जी मंडी मानो, सब्जी मंडी लग रही है। तो हमने तो खाली गोलगप्पे खाए थे और एक प्लेट वो क्या था वो बड़ा, मतलब गोलगप्पे में बेसिकली दही डाल के, हमारे यहाँ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं दिल्ली में जब मैं शादी में। हम नहीं कर रहे वैसे, याद है बचपन में गोलगप्पे जब आते थे हम उसमें ही वो दही वही डाल के खाते थे, वो इन्वेंशन हमने करा था, वो इन्वेंशन हमने करा था आज से 2006 या 2007 में। जैसे तो बहुत लोगों ने करा होगा। तो उस टाइम पे बाजार में कहाँ बिकते थे, अभी बाजार में बिकने लगे हैं, उस टाइम पे कहाँ बिकते थे? लॉयल्टी चाहिए आपको, लॉयल्टी चाहिए ना। अब हम जा रहे हैं हसरतगंज घूमने, हैं हसरतगंज ही जा रहे हैं ना, सारा मॉल चल रहा है, सारा मॉल देखते हैं हसरतगंज चल रहे हैं। खाने का ऑर्डर कर दिया है हमने होटल में, हसरतगंज इधर की तरफ है, सारा मॉल इधर की तरफ है, तो सारा मॉल कल चलेंगे ना, हसरतगंज चलते हैं जहाँ मेन मेन वो है, मेन लखनऊ, मेन लखनऊ जहाँ मजा आएगा लखनऊ देखने में। ये है रॉयल कैफे, रॉयल कैफे ये वो वाली है जहाँ बास्केट मिलती है ना, बास्केट चाट, बास्केट चाट जो बोलते हैं चवनप्राश वाली चटनी खिलाओ, चवनप्राश वाली चटनी। ये वो बास्केट चाट है जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन अंकल जी बनाते हैं, बताते हैं अंकल जी। मैं लोकल लखनऊ का थोड़ा थोड़ा रहता हूँ, तो कोई लखनऊ वाले से पूछोगे आपने रॉयल कैफे की बास्केट चाट खाई है तो सब ये बोलते हैं और कोई जगह नहीं मिली हमें जाने की, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आते, क्या वजह है नहीं पता। किसी चक्कर में इन्होंने मुझे खाने नहीं दी तो मैं टेस्ट करके बता नहीं सकता, पर भाई ने खाई है और ये कह रहे हैं कि सही नहीं है तो नहीं होगी, कोई बात नहीं कहीं और कुछ खाते हैं। निखिल भाई ने यहाँ करली ईट है, यहाँ करली लीव्स पे खाना खाया हुआ है, तो बता रहे हैं वो अच्छा है, तो हम भी कल ट्राई करेंगे ना। ये तो मोती महल तो फेमस है ही है। ये है परासी मंदिर, परासी लिखा है हनुमान मंदिर, 100 साल पुराना बता रहे हैं ये मंदिर। जब हम आए थे तो हम इस रूट से आए थे, यहाँ से गाड़ी लेकर के हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि इस तरफ में ना पूरा जाम लग रहा था, तो हमारी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी पहले वाले में। ये कह रहा था कि हम लोग हो गए हैं लेट, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30-10 का और अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। मार्केट भी लगभग बंद ही है, ख़त्म ही होने वाली है मार्केट, मतलब सब बंद करके ही जा रहे हैं। कई लोग हैं जो फेमस चीज़ें हैं वो खुली हुई हैं, जैसे रॉयल चाट है वो सारी चीज़ें खुली हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट बंद है। हम भी चलते हैं होटल, करते हैं थोड़ी सी एडिटिंग। हमने ऑर्डर किया था दाल तड़का रोटी और क्या दाल बनाई थी यार शेफ ने, मज़ा आ गया भाई, मज़ा, एक नंबर दाल बनाई थी, बहुत बढ़िया दाल थी। साथ में था पापड़, सलाद
और मिर्च, आहा अल्टीमेट स्वाद आ गया। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। हमने सोचा था कि लास्ट में दाल जो है हम बचा करके खाएंगे, बट वो रोटी के साथ ही इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि हमने रोटी के साथ ही खत्म कर दी। कल भी अब हम यही खाएंगे खाना, बाहर तो खाने का कोई मतलब नहीं है। इतना अच्छा खाना और वो भी गरम गरम, मजा आ गया। एक तो भूख लग रही थी बहुत ज्यादा क्योंकि हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं था, तो जैसे भी खाया गया बट खाना सच में अल्टीमेट खाया। हम दोनों को खाना खाने के बाद भी भूख लग गई, तो अभी ये रोल लेने आए। मैंने थम्स अप ले लिया, मैंने सेवन अप लिए, सेवन अप। भूख लगी थी तो आगे लेने के लिए अब लेकर के चल रहे हैं। बस करते हैं उसके बाद एडिटिंग, फिर सोते हैं। ब्लॉग को करते हैं हम यहीं खत्म। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल भैया, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।